अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह हम बड्डू भाई के पास आज पहुंचे हुए हैं। आज कुछ मेरे भाई और बड्डू भाई के जानवर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको दिखाने लगे हैं और पूरी मालूमात बड्डू भाई से लेंगे। और बड्डू भाई के पास कैसे जानवर खड़े हैं, कितने जानवर खड़े हैं, एक के बाद इंशाल्लाह मेरे भी आपको तफसील से इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों को बताऊँगा। एक आदमी ने मुझे कमेंट भी किया, यार यूसुफ भाई एक क्या बहुत लगे उन्होंने वैसे ने कमेंट किया है, और यूसुफ भाई आप ना हमें बड्डू भाई के जानवरों का विविध कराएं। आजकल बड्डू भाई के देखते हैं क्या रेट जा रहे हैं, बड्डू भाई के रेट आजकल महंगे जा रहे हैं, सस्ते हैं, और क्या रूटीन है। मेरे भी वैसे अलहमदा मैं अपने गोल्ड फार्म पे भी आपको जानवर का और रेट वगैरह देता रहता हूँ और मंडियों के भी रेट आपको देता हूँ। बड्डू भाई के भी जानवर का आज अलहमदा रेट चेक करते हैं और बड्डू भाई के और जानवर जो है ना किस तरह के जानवर हैं, इनके पास कितने जानवर हैं, पूरी डिटेल पूरी मालूमात इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी होगी। बड्डू भाई से कुछ मालूमात भी लेंगे जो आपके फ़ायदे के लिए हो, और इनका रखने का तरीका, पालने का तरीका, जो भी है सूरत हाल है ना, बड्डू भाई से इंशाल्लाह मालूमात लेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा मेरे भाई। बाकी मजीद और बाइक कैमरे से अल्हम्दुलिल्लाह आपने भाइयों को मालूमात देते हैं और बड्डू भाई से कुछ पूछना चाहते हैं आगे आपको शेयर करेंगे मेरे भाई। लेना देना नसीब और मुकद्दर की बात होती है मेरे भाई, हो सकते कुछ हम आपके फ़ायदे के लिए बातें करें और आपको समझाएं। आप कारोबार करना चाहते हैं, शौक़ हो जाता है इस वीडियो देख देख के आपको जानवरों का, क्योंकि सुन्नत वाला काम है, नबियों की सुन्नत है मेरे भाई। जो आपका दिल करे आप उसी तरह करें, किसी की बातों में मत आना मेरे भाई, तारीफ करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जानवर दिखा रहा हूँ ये जानवर भी आपको पसंद आएंगे। अगर मेरे ऊपर आप इतबार भरोसा रखते हैं, आप मंडी पे आना चाहते हैं, जब मेरे गोट फॉर्म पे आना चाहते हैं, जब बड्डू भाई के पास आना चाहते हैं, नंबर ऊपर हैं, इन नंबर पर रब्ता करके आ जाना। बाकी मंडी पे आएंगे, मंडी से मैं 200 रुपया फी जानवर का इनाम लूँगा, उसमें मेरी हर तरह की जवाबदारी भी होगी। बाकी अलहमदिल्ला बड्डू भाई पहले भी एक आपको पता है रेट दिए, इतना मुनासिब करके दिए, आज देखते हैं आज क्या मुनासिब करता है, महंगा देता है सस्ता देता है, पूरी मालूम इनशाला बड्डू भाई के सेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड्डू भाई सबसे पहले अपना तारुफ कराइए। बड्डू भाई मुंद्रे छतरे वाला डेरा गाजी खान से, क्योंकि काफी दोस्तों ने कमेंट, जिस तरह आपने कहा यूसुफ भाई कर रहे थे, काले भी कर रहे थे कि हमें जो है ना बड़े जानवर दिखाए जो पक्के खीरो माशाल्लाह से जो वजन वेट हैवी वजन वेट करे, बाकी तो आप जानवर तो दिखाते जो फुल साइज वाले होते हैं, आज वो जानवर दिखाए, क्योंकि लाट और छोटी सी मुख्तसर सी जब हमारी वीडियो लगती है ना उसी वक्त दोस्त काले करते हैं व्हाट्सएप पे भी, वो लाट रोक देते, ओके कर देते। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप अगर इतने बड़े बड़े जानवर मंडियों से तो ब्रेक लग पाए, ये जो आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह ना किसी मंडी पे ये इस तरह के जानवर होते, ना किसी फार्म पे होते, हमारे पास होते। इसी तरह के आप 50 ले 100 ले मिल सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जो लोकेशन है डेरा गाजी खान, क्योंकि यूसुफ भाई ने जिस तरह कहा आज आगे कि आज आप वीडियो बनाए उसी तरह जिस तरह आप ऑफरें देते, माशाल्लाह हमारी हर वीडियो एक ऑफर के साथ होती है। आज 2024 की आपको ऑफर देंगे नए साल की, ठीक है, किसी ने नहीं नए साल की आपको ऑफर नहीं दी होगी, हम देंगे आपको माशाल्लाह। रेट जो है हमारे बहुत ही मुनासिब होते हैं और चीज़ क्वालिटी एक नंबर होती है। इसी ये चीज़ गुजरांवाला अगर लाहौर अगर उतने बड़े पंजाब के शहरों में कम से कम 40 से 45 हज़ार डिमांड करेंगे, हम हर गैस ऐसा रेट नहीं करेंगे, हम मुनासिब रेट देंगे आप दोस्तों के, जो आपको रोटी रोजी लफे, हम वो कहते हैं जो हमारे दोस्त देखें जहाँ आपको रोटी रोजी लफे हम वो रेट देंगे माशाल्लाह। रेट हमारे मुख्तसर से होते हैं, रेट भी थोड़े से होते हैं, ये आप किसी फार्म से या किसी मंडी से जानवर तो ले जाते हैं उनके ऊपर इतना बड़ी बड़ी पशम होती है माशाल्लाह से, इनकी कोई पशम नहीं है ना कुछ, और माशाल्लाह। अच्छा बड्डू भाई और आपकी बात रोक रहा हूँ, आप ये बताएं सबसे पहले, और लोकेशन आपने डेरा गाजी खान बता दिया ऐसे है ना, अच्छा ये आप कितना जानवर हमें दिखा रहे हैं? ये एक दर्जन के करीब माशाल्लाह से फुल साइज वाले हैं। अच्छा एक दर्जन अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मौजूद है, यही एक दर्जन है या इससे अलावा और भी है? मैंने कहा एट ए टाइम अगर कुछ 100 ले 50 ले वो जानवर हम दे सकते हैं। अच्छा वो उन दोस्तों के लिए जो दोस्त कह रहे थे फुल साइज जानवर दिखाए हमें, छोटी सी लाट हो 10-12 की लाट हो हम उसी वक्त ओके कर ले जब वीडियो लगे, सही हो गया। हाँ। अच्छा बड्डू भाई आप इनका कोई लाइव वेट और इनका वजन बता दें, इनका वजन क्या होगा इनका अभी? ये 50 केजी से लेकर ना 60 केजी तक खड़े हुए हैं,
अच्छा 50 केजी से रखना 60 केजी तक मौजूद है भाई इनकी बड्डू भाई की चीज है उसके मुताबिक मैं आपको बता सकता हूँ मेरे भाई, और अपनी तरफ कुछ बता ही नहीं सकता क्योंकि लेना देना नसीब की बात होती है। जो बात करेंगे सीधे बड्डू भाई इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा बड्डू भाई ये बताएं ये जानवर जो है ना आप कहीं से लेके आते हैं या ये अपने जानवरों की ब्रीड है? सच में बताना बड्डू भाई हमारे अपने जानवरों की ब्रीड है क्योंकि ये ही नहीं हमसे और व्यापारी हजरात भी मंडी के वाले ले जाते हैं। अच्छा। दो दो चार चार ले जाते हैं मंडी पर सेल परचेज करते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं डेरा गाजी खान आना चाहते हैं आप डेरा गाजी खान मंडियों में तो आ सकते आ जाते हैं तो फिर कहते हैं आपने फिलहाल वीडियो लगाई थी आप वही रेट दे। आप डायरेक्ट हमसे रब्ता करें ना आप दूसरे बंदे को बीच में ना लेके आए। अगर बीच में ले आएंगे वो कमीशन लेगा आपको तो ये पता नहीं होता वो आपको कहता है हम आपसे 100-200 लेंगे वो ऐसा हर केस नहीं होता ना वो तो हमसे भी लेते आप खुद मालिक से डायरेक्ट रब्ता करें हो गया। और हमसे रब्ता करेंगे एक ही बात देते हैं यूसुफ भाई से करें हम रेट तो एक ही देते हैं ना यूसुफ भाई के माशाल्लाह से जानवर भी होते हैं हमारे भी होते हम मंडियों में इकट्ठे जाते हैं जो जानवर आपको अगर पसंद आता है इसमें से हम उनकी बात कर लेंगे राइट सही है। अच्छा बड्डू भाई और ये जानवर जो है ना इनका उम्र क्या होगी कम से कम उम्र क्या है ज्यादा से ज्यादा उम्र क्या है? कम से कम इनकी उम्र है 9 से 9 माह ज्यादा से ज्यादा 11 माह के। अच्छा ठीक है बड्डू भाई ये जानवर आप दिखाएं ये वाला इसको जी जो इसकी क्या उम्र है? इसकी 9 माह है 9 महीने। हाँ। आप ये देखिए मेरे भाई आपको जानवर भी दिखा रहा हूँ। हाँ, अच्छा भाई जान मैं आपको ये बताऊँ और काफी दोस्त कह रहे थे ना यार यूसुफ भाई 11 महीने वाला भी ये ठीक है तो काफी में खड़े हुए ये आप अंदाजा कर ले ये हाँ, ये किस नस्ल में आ रहा है? ये आ रहा है माशाल्लाह से लाखे में लाखे जो जिस तरह खीरा ही खीरा वही चीज है। अच्छा काफी दोस्त कह रहे थे ना यार यूसुफ भाई आप जो हमें जानवर दिखाते है ना और रेट जो होता है ना लास्ट का एक ही होता है लेकिन एक दो ले उनका रेट अलग होता है। मेरे भाई लाट का रेट एक होता है एक दो का अलग होता है क्योंकि इनके होते हैं नस्ल के ऊपर इनकी बात होती है छोटे बड़े की बात नहीं होती मेरे भाई जान। और बड़ा जानवर होता है लेकिन वो आपको सस्ता मिल जाता है छोटा हो तो वो इतनी महंगा मिलता है वो क्यों? हालांकि बड़े में गोश्त भी ज़्यादा होता है वजन भी ज़्यादा होता है लेकिन बात यह है मेरे भाई आपको बताऊँ नस्ल ज़्यादा है खूबसूरती ज़्यादा है छोटे की। आपके सामने जो है बड़ा जानवर गाय भैंस होगी ना वो रेट में भी मुनासिब मिलता है गोश्त में ज़्यादा होता है मिलती सस्ती है। छोटा जानवर ये होता है इसमें गोश्त भी कम होता है लेकिन खूबसूरती ज़्यादा होती है इनकी होते हैं खूबसूरतियाँ इनके होते हैं नस्लें। अच्छा बड्डू भाई ये बताएँ और यहाँ की नस्ल हो वहाँ रेट मुनासिब होते हैं या दूसरी जगह पे मुनासिब रेट होते हैं? नस्ल हो वहाँ पे इनकी कदर नहीं होती ना जहाँ पे ज्यादा हो माल। और मैं यही बात कहता हूँ हमारे दोस्त जिनके पास कहते हैं हमारे पास कारोबार नहीं सही इस तरह से कारोबार अपना स्टार्ट करे वो डायरेक्ट हम से रब्ता करे माशाल्लाह से यही जानवर अगर वो ले जाएंगे ना यूसुफ भाई अगर अगर मेरे भाई आपने जानवर लेना है ना क्या मंडी से भी लेना है कहीं से भी लेना है बड्डू भाई चला के देखा आप ऐसा करें जानवरों की मालूमात लें यार हम जानवर खरीदना चाहते हैं हम किस तरह का जानवर खरीदें पहली बार काम करना चाहते हैं ये हमारे लिए हमारे इलाके में कौन सा जानवर बेहतर है? काफ़ी दोस्त जो होते हैं ना जूफा और करते हैं कहते हैं यार हम इनके पास जाएंगे और ये तो वो है मेरे भाई जान देखो मेरी बात लेना देना नसीब की बात आप आए हमसे सिर्फ मालूमात लें यार जानवर ना खरीदें हमसे मेरे भाई सिर्फ मालूमात लें हो सकते हैं हम आपके फ़ायदे के लिए बताएं मेरे भाई और जहां आपका दिल मुतमैन है आप वहां से ख़रीदें लाजमी नहीं है जब बड्डू भाई से ख़रीदें जब मुझसे ख़रीदें कल को फिर आप जैसे गोट जिससे जानवर लेके जाते हैं ना वो तो आपको वैक्सीन शुदा जानवर आपको नहीं दिखाता मेरा भाई ना देता है। आप ऐसा क्या करें जिसके वैक्सीन शुदा जानवर हो आप वो लिया करें क्योंकि मंडी पर जाके अपनी मर्जी की ख़रीदारी करते हैं कल को हमें कालें करते हैं यार हमारे जानवर के साथ मोशन लग गए हैं वाल लगी है बीमार है कुछ खाता पीता नहीं है हम इसके साथ क्या करें? देखिए मेरे भाई जब आपके पास मालूमात भी नहीं है आपको पता भी नहीं है जानवर हमारे मतलब का है या नहीं है बस आप देखते हैं यार यहाँ ठीक है या हमें पसंद है अगली बात का आपको इल्म नहीं होता मेरे भाई फिर आप धोखा खाते हैं आपको नुकसान हो जाता है आप पैसे ज़ाय कर लेते हैं वो जानवर आपके पास नहीं रह सकता बड्डू भाई ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि मालूमात एक बड़ी चीज़ है। मैंने जब जानवर एक काम स्टार्ट किया था ना माशाल्लाह 10-20 भेड़ों से स्टार्ट किया था मुझे इस चीज का इल्म नहीं था कि ये सर्दी में कितना बड़ा जानवर होता है या गर्मी में ऐसा इंसान सीखता है ऐसे ही है। हाँ जब जितना बड़ा हो तो इतना बड़ा वो सीखते जाते हैं ऐसे आप ही अगर हमारे पास आएंगे ना डायरेक्ट आपको हम आपको बैठ कर बताएंगे कि सर्दियों में ये खुराक दे गर्मियों में ये
और बर वक्त वैक्सीन दे इन जानवरों को, वो कौन कौन सी होती है? अच्छा बड्डू भाई, दोस्तों के पास कहते हैं यार हमारे पास लाखों हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम कामयाब होंगे। जिसके पास मालूमात होगी वो कामयाब है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो कामयाब है। मालूमात बहुत ज्यादा है, मालूमात वाला आदमी है कामयाब है ना, मालूमात लेना उतना काम होती है। ऐसे ही है मेरे भाई। और आप कहते हैं यार हम नए नए फार्म बनाए हुए और अभी पहले पहला शौक है हमारा, हम जानवर जाके खरीद लें। मेरे भाई देखें, अगर नया फार्म भी बनाया हुआ है ना मेरे भाई, और अच्छी बात है, काम करें, बरकत वाला काम है, सुन्नत वाला काम है। आप जो लोग जज्बा रखते हैं, जुनून रखते हैं, आप कहते हैं यार हम 100 जानवर डाल लें, लेकिन 100 डालने की गुंजाइश तो होती है आपके पास, आपके पास मालूमात नहीं होती, तभी आप कामयाब नहीं होते। फिर आप कहते हैं यार यहाँ पे आके ना जानवर जो है ना ये नहीं पाल सकता, ये हमारे पास नहीं रह सकता, इसका साथ पानी लाग हो जाता है, कोई मसला हो जाता है। जब आपके पास मेरे भाई पहले से मालूमात भी नहीं है, आपको पता ही नहीं है इसके खुराक के बारे में, इनके रखने में बारे में, इसका तरीका, इनको क्या डालना है, क्या रखना है, क्या कुछ करना है इसके साथ, आपको इल्म ही नहीं है, फिर आपने नुकसान ही करना है ना मेरे भाई, फिर जानवर तो नहीं रह गया मेरे भाई। जब आपके पास मालूमात ही नहीं है, आपके पास इल्म ही नहीं है, किसी चीज़ का पता ही नहीं है मेरे भाई, खुराक के बारे में पता नहीं है, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, इसके वैक्सीन के बारे में पता नहीं है, फिर कैसे कामयाब हो सकते हैं? कामयाब उस टाइम होंगे जब आपके पास मालूमात होगी। लाजमी नहीं है जानवरों की मालूमात हो तो आप बंदा कामयाब होता है। कोई भी काम हो, एक छोटी सी दुकान लगाए ना, फिर भी आपको मालूमात की जरूरत होती है, यार हम कैसे दुकान लें, क्या हिसाब किताब होगा। ऐसे ही मेरे भाई, हर चीज़ की अपनी एक रूटीन होती है, हर चीज़ की अपनी मालूमात होती है। अच्छा बजो भाई, और यह जानवर आपने दिखा दिए हैं माशाल्लाह, जानवर तो माशाल्लाह बजो भाई अच्छे हैं, और उसने औरतें चला के दिखाए बजो भाई। बाकी बड्डू भाई से रैच वगैरह भाई लेते हैं, और इंशाल्लाह मैं बार बार आपको बोला है मेरे भाई, ज़्यादा बोलने की, ज़्यादा तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिधर आपका दिल मुतमैन है आप वहाँ से खरीदार करें, लेकिन मालूमात आपके लिए ना बहुत सख्त ज़रूरत है मेरे भाई। एक दोस्त होते हैं बहुत इनकी तारीफ ही करते रहते हैं, यार आप जानवर रखे, आप लाखों कमाए, आप करोड़ों कमाए, उनको बोलो यार तुम ही रख लेते हो, तुम्हें क्या होता है, खुद ही रख लो, लेकिन मालूमात रखे, लेकिन मिलना आपको वही है, जो नसीब होगा आपको वही मिलेगा। बाकी बड्डू भाई से इसका रह लेते हैं बड्डू भाई। अच्छा ये सारा कुछ आपने बता दिया माशाल्लाह। अच्छा लाश के हिसाब से क्या रेट होगा, एक दो का क्या रेट होगा बड्डू भाई? वो तो आपकी बात ठीक है ना यूसुफ भाई, जो दोस्त हमारे देख रहे हैं ना, हमारी वीडियो होती है एक मालूमात के ऊपर, सही आपने कहा जी। जो हमारी वीडियो मुकम्मल नहीं देखता ना उनको मालूमात नहीं मिलती, ऐसे ही है। जो वीडियो मुकम्मल देखता है ना शुरू से लेकर एंड तक, वो कुछ ना कुछ सीख जाता है, ऐसे ही है। इसी तरह की होती है हमारी वीडियो। बाकी जो है ना रेट इनका, जो मैं कहता हूँ, जो बंदा दूर से वो आके हमसे जब रابطہ करे, वो कुछ ना कुछ रोजी रोटी रखे जानवरों में, चेक ऐसे ही है। आप दूसरे फार्म या दूसरी मंडियों से भी रेट चेक किया करें, हमारे भी, अगर जिसने ये पूरी चार्ट लेनी है, एक दर्जन है माशाल्लाह से 30,000 रुपए की ये जानवर, उनको ये देखे माशाल्लाह, और बड़े जानवर भी है माशाल्लाह से, ये देख ले ये किस हिसाब से बजे भाई, 30,000 के। अच्छा बड्डू भाई, कोई दोस्त होते ना पूरी लाट की, उनके पास गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना, कोई कहता है यार हमें दो रखना चाहते हैं, चार रखना चाहते हैं, पांच रखना चाहते हैं, आपको पता है महंगाई बहुत ज्यादा है बड्डू भाई, और खर्चा भी इतना इनके ऊपर होता है, जितना जानवर ज्यादा होता है खर्चा भी हो जाता है ना, शहर के और खुराक का, शहर के खर्चे ज्यादा होते हैं। अच्छा बड्डू भाई, लाट का एक रेट बता दे, अगर कोई एक या दो दोस्त लेना चाहते हैं उनका क्या हिसाब किताब होगा? वो आपकी बात ठीक है ना यूसुफ भाई, अगर वैसे तो हमारे लाट के ऊपर रेट होते हैं ना, वो फर्द करो कोई बंदा आ जाता है, वो कहता है हमें एक या दो चाहिए, हम ज्यादा गुंजाइश नहीं है, सही है। जानवरों की तो उनकी कम कर लेते हैं, 1,500 ऊपर नीचे कमी पेशी कर लेते हैं एक। अच्छा थोड़ा बहुत रेट का फर्क होता है, रेट का फर्क होता है, बाकी जो हमें पता होता है एक दो जानवर ले रहा है ना दोस्त कार्गो जा, उस हिसाब से वो सब हमें आजमाने के लिए लेता है। अच्छा बच्चों भाई अपना कॉल नंबर भी बता दें जी, कॉल नंबर मेरा वही चल रहा है 0345 2157 547 ये बड्डू भाई के नंबर है मेरे भाई, और बड्डू भाई के ये नंबर हमने बता दिया, बड्डू भाई के साथ भी रابطہ करें, और इंशाल्लाह ये जानवर है बड्डू भाई के पास ही मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर आप 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद रابطہ करते हैं ना मेरे भाई, जानवर सेल हो जाता है। आपको पता है अच्छी चीज़ लेने के लिए, मुनासिब चीज़ लेने के लिए हर भाई बैठा हुआ है मेरे भाई, मेरे यार हमें अच्छी मुनासिब लाट मिले हम खरीद लें मेरे भाई, ये बहुत रेट मुनासिब है। अच्छा बड्डू भाई ये बताए, हमेशा आपके पास यही रेट होते हैं जहाँ वैसे आज आपने ऑफर दिया है? वैसे आज तो ऑफर दी है, जानवर हमेशा हमारे पास होते हैं,
जिस तरह आप नंबर वैसे और भी लगाते हैं मेरे यूट्यूब वाले, तो वो काफी दोस्त यही कॉल करते हैं कि हमने फिलहाल बंदे को पैसे जो भेजे हैं ना, या फिलहाल आदमी को हम तक चीज नहीं पहुंची, शिकायत करते हैं। मैं उन दोस्तों को एक चीज मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि आपने अगर उस बंदे को देखा है तो पैसे दिए हैं, जो वीडियो के अंदर मौजूद हो वीडियो कॉल पे जानवर देख लिया करे ना, आप उनको पैसे भेजे। और उस बंदे से जानवर लें जिसके पास मालूमात फोन लो, अगर आपका जानवर बीमार हो जाता है या कुछ मसला मसाइल होता है, खावर पीवर जिस तरह जानवर छोड़ देता है, आप उस बंदे से रब्ता तो कर सकते हैं ना कल के साथ कि हमारे जानवर के पास ये शिकायत है, आप हमें कोई नुस्खा बता दे, हम आप ले जाना ले, हम आपको मालूमात देंगे, आपको हम भाई बंदी बना के एक जो है ना प्रॉपर तरीके के साथ बिठा के और खुराक भी के हवाले से भी आगाह करेंगे, क्योंकि हम देना जल्ला देना नसीब की बात है। हमारे पास हजारों की तादाद जानवर आते हैं जाते हैं, हमने आज तक किसी को नहीं किया। जो दोस्त हमारे पास एक बार आता है ना, माशाल्लाह से उनके फार्म भी कामयाब है और हमें दुआएं देता है, दूसरी बात उनके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद जिस तरह आप वीडियो ला करिए, वो जब वीडियो देखेगा जानवरों के कार देगा कि मेरे जानवर पहुंचा दो। बाकी ठीक है मेरे भाई, आप हमें देखिए इजाज़त, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपने भाइयों को दोस्तों को बहुत ही जल्द मिलेंगे।